So hello everyone. In the last lecture, we learn some application of artificial intelligence. Here we will see some typical problems of AI, such as these are the some common tasks which are done by the humans, such as recognizing people and the object. जब जो ह्यूमंस रहते हैं उसके लिए किसी पीपल को रिकॉग्नाइज करना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, जैसे कोई कार आ रही है या फिर उसे मूव होना है या फिर साइड में होना है, सो दिस इज़ द रिकॉग्नाइजिंग पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स होता है. कम्युनिकेटिंग थ्रू नेचुरल लैंग्वेजेस, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो ये सारे ह्यूमन के लिए ईजी टास्क है, सच एज नेविगेटिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल. जैसे कि कोई कार आती है, जब कार आती है और हम लोग रोड क्रॉस कर रहे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे वेट करते हैं वो उस कार के जाने का, तो हम लोग लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं. सो दिस इज नेविगेटिंग अराउंड द ऑब्स्टिकल. अब ये कुछ एक्सपर्ट टास्क है. अब एक्सपर्ट टास्क वो मतलब ये टास्क है वो ह्यूमन सारे ह्यूमंस परफॉर्म नहीं कर सकते. जैसे ये जो इनलिस्टेड टास्क है वो सारे ह्यूमंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी वो कौन है, हमारा रिलेटिव है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी पर्सन हो, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे नेचुरल लैंग्वेजेस में, या फिर किसी भी ऑब्स्टेकल का नेविगेशन भी हम लोग कर सकते हैं. बट ये एक्सपर्ट टास्क है. इन टास्क को करने के लिए हमें उसका नॉलेज लगता है या फिर उसकी ट्रेनिंग लगती है. जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, अब मेडिकल डायग्नोसिस कौन करता है, जिसने मेडिकल में स्टडी किया हो. सारे ऑल ह्यूमंस या फिर सारे जो ह्यूमंस है वो इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते. अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कौन परफॉर्म कर सकता है, जिसने एक्चुअल में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा हो. अब ये जो चीज़ें हैं ये कोई चाइल्ड भी परफॉर्म कर सकता है ये सारी चीज़ें, बट चाइल्ड्स है वो या फिर जो कॉमन पर्सन है वो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं कर सकता. या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो जिसने स्टडी नहीं किया, मैथ्स ही नहीं सीखा, वो ये भी सॉल्व नहीं कर सकता. प्लेइंग गेम्स लाइक चेस, अब जो गेम प्ले करते हैं चेस के लिए, अब चेस सबको तो नहीं आता ना, सारी ह्यूमंस को, इसके लिए भी हमें सीखना पड़ता है कि चेस के क्या रूल्स है और क्या अप्लाई करना पड़ता है, कौन सा मूव लेना पड़ता है, प्रीवियस मूव क्या रहता है. सो ये सारे स्किल्स है या फिर ये सारे जो रूल्स है वो हमको सीखने पड़ते हैं चेस प्लेइंग के. सो ओवरऑल ये सब क्या है, एक्सपर्ट टास्क है. सो ये बताने का एक ही इंटेंशन है कि जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कॉमन टास्क है, इन कॉमन टास्क को अब तक मशीन में इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है. सो ये होता है एआई का प्रॉब्लम. बट जो एक्सपर्ट टास्क है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस हमने देखे, एआई में मेडिकल डायग्नोसिस इम्प्लीमेंट हो चुका है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकते हैं हम लोग एआई से, और चेस प्लेइंग तो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप किया था चेस प्लेइंग. सो ये सारे जो एक्सपर्ट टास्क है वो सिस्टम के लिए तो इजी है बट ह्यूमन के लिए डिफिकल्ट है. जैसे वाइस वर्सा क्या होता है, जो ह्यूमन के लिए इजी टास्क है वो सिस्टम के लिए डिफिकल्ट होते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखे थे, अप्रोचेस देखे थे, तो टोटल 4 अप्रोचेस थे या फिर रिसर्च व्यूज थे. वो जो रिसर्च व्यूज है उसका जो फर्स्ट व्यू था वो स्ट्रॉन्ग एआई को रिप्रेजेंट करता है. अब स्ट्रॉन्ग एआई यानी उसमें क्या रहता है, फिर जैसे हमने ट्यूरिंग टेस्ट देखे, अब इसमें ट्यूरिंग टेस्ट में क्या था फिर, कि हमारा जो भी सिस्टम है उसने सारे आंसर्स देने चाहिए जो उसका इंट्रोड्यूट जो जो सेकंड पर्सन है वो उसको पूछने वाला है. सो ये होता है स्ट्रांग एआई. अब स्ट्रांग एआई में क्या होता है फिर, तो स्ट्रांग एआई में हम लोग ट्रूली रीजंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम करते हैं, यानी सारे प्रॉब्लम्स जो भी तुमने मतलब कवर करने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए, मतलब तुम्हारी जो सिस्टम है उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज द वीक एआई. अब वीक एआई जैसे कि कोई बिहेवियर है ह्यूमन का, अब ये ह्यूमन के बिहेवियर में जैसे हमने कॉग्निटिव अप्रोच देखे थे, अब कोई स्माइल कर रहा है या कोई सैड है तो ये वीक है, मतलब जितने भी तुमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो वीकली सॉल्व करता है. अब जैसे कि तुमने कोई सिस्टम बनाया, अब सिस्टम बनाए ऑब्स्टेकल के लिए, अब ऑब्स्टेकल में तुमने कार के लिए बनाया, जब कार के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे कोई पिलर हो तो उस पिलर को भी उसने मतलब जब कोई पर्सन जाता है तो वो कार देखे तो उसने राइट में या फिर लेफ्ट में मूव करना चाहिए, वैसे ही अगर वहाँ पे पिलर हो तो भी उसने वहाँ से साइड में होना चाहिए. सो ये होता है वीक है, मैंने पर्टिकुलर एक ही एम के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, वीकली टास्क परफॉर्म करता है. नेक्स्ट होता है अप्लाइड है. अब अप्लाइड है क्या होता है, सो स्मार्ट सिस्टम
सच एज द फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑथेंटिकेशन. अब अप्लाइड AI में तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है या फिर तुम्हारा थंब रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन होता है, सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशन. जैसे हम लोग आधार कार्ड देखते हैं तो इस जो भी पर्सन है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए वो उसके आईज को आइडेंटिफाई करते हैं. देन उसके बाद हमारा हमारे फिंगर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. ये सारी चीज़ें हैं वो अप्लाइड AI में होती है. नेक्स्ट वन इज अ कॉग्निटिव AI. सो कॉग्निटिव AI इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. अब कॉग्निटिव AI में हम लोग जैसे कि रोबोट्स देखते हैं. सो ये जो रोबोट्स जैसे कि हमने सोफिया का देखे, तो सोफिया के लिए कॉग्निटिव AI में क्या रहता है, जो भी हम लोग मतलब ह्यूमन के जैसे वो आंसर्स करती है या फिर टास्क है वो परफॉर्म करती है. सो दीज आर द अप्रोचेस ऑफ द AI. यानी अप्रोचेस ऑफ AI को फोर तरीके से डिवाइड किया जाता है. स्ट्रॉन्ग AI जिसमें सारे टास्क है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए. वीक AI मतलब एटलीस्ट तुम्हारे सिस्टम जिसके लिए बनाई गई है उसने प्रॉपर एग्जीक्यूट करना चाहिए. अब उसमें जैसे पिलर अगर ऐड हो गया तो पिलर के लिए तुमने उसको कोच प्रोवाइड नहीं किए थे तो उस टाइम पे वो पिलर की सिचुएशन वो एक्सेस नहीं कर सकता. सो दिस इज योर वीक AI. अप्लाइड AI सच एज योर रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड योर आईज रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एंड कॉग्निटिव AI सच एज योर रोबोटिक्स, इन विच यू मीन्स यू आर गोइंग टू एड सम स्किल्स सच एज रिलेटेड टू द ह्यूमन ब्रेन. यानी ये पर्टिकुलर ह्यूमन ब्रेन को जब ये टास्क दिया जाएगा, उसे पूछा जाएगा हाय, तो उसने क्या रिप्लाई देना चाहिए. सो यही सारी चीज़ें आते हैं कॉग्निटिव AI. थैंक यू.